हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होलिका दहन। आज होलिका दहन है जिसके उपलक्ष्य में आज हम आपको बालूशाही बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। जिसके लिए हमने सबसे पहले लिया है मैदा का एक पैकेट। इसे हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। उसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच तेल लिया है और उसे हम अच्छे तरीके से अब हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें 1/2 चम्मच सोडा डालेंगे और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और उसके बाद हमने इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से अब गूंद लेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैदा बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद गया है। अब इसे हम ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 10 मिनट बाद मैदा बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गया है। उसके बाद हम इसमें छोटा छोटा करके बालूशाही बना लेंगे। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो में छोटा सा बालूशाही बनाया है, उसी तरीके से मैदे का बालूशाही हम बना लेंगे। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले छोटा सा उसे गोल करेंगे, फिर उसके वो बीच में उसे उंगली से छेद कर देंगे, फिर हमारा बालूशाही बनकर रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से हम सारे मैदे का बालूशाही बना लेंगे। आप देख सकते हो बालूशाही बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। उसके बाद हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, तब हम गैस के फ्लो को मीडियम कर देंगे और उसके बाद हम एक एक करके बालूशाही को डालेंगे और इसे हम मीडियम फ्लो पर ही अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसे पकाने में हमें 5 मिनट लगेगा, क्योंकि हम इसे मीडियम फ्लो पर बहुत ही अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसका एक साइड पक गया है, अब हम इसके दूसरे साइड को भी अच्छे से पका लेंगे। अब 5 मिनट बाद आप देख सकते हो बालूशाही बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बचे बालूशाही को भी हम इसी तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमने बाकी बचे बालूशाही को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। उसके बाद हमने चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई लिया है और उसमें 2 कटोरी शक्कर डालेंगे और 1 कटोरी उसमें हम पानी डालेंगे, जिससे चाशनी बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगी। इस समय हम अपने गैस के फ्लो को मीडियम रखेंगे, जिससे चाशनी मीडियम फ्लो में बहुत ही अच्छे तरीके से पके। अब 5 मिनट बाद हमने चाशनी में 3 से 4 इलायची डालेंगे, जिससे चाशनी का स्वाद बहुत ही अच्छे तरीके से आए। और उसके बाद हमने इसमें फूड कलर डाला है, जिससे कलर बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। अब चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमने इसमें जो बालूशाही तल कर रेडी किया था, उसे हम डाल देंगे। अब बालूशाही बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से खस्ता बनी है, जो खाने में सबकी फेवरेट होती है। आप भी बालूशाही की इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।